हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो दोस्तों, बिल जैसा कि आपको पता है कि भाई जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस में अपनी 50 साल तक सेवाएं देने वाले, मींस राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, संजय गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो, सबके साथ काम कर चुके 50 साल तक, कांग्रेस को अपनी सेवाएं दे चुके और राजीव गांधी के नेतृत्व में और इंदिरा जी के नेतृत्व में अलग अलग पोर्टफोलियोज की मिनिस्ट्री पर काम कर चुके श्रीमान गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को हमेशा के लिए बाय बाय टाटा और अलविदा बोल दिया है। दोस्तों, ऐसी स्थिति क्यों आई ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने लिखा भी कि भाई भले ही सोनिया गांधी डी जूरे प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस हो, लेकिन डी फैक्टो प्रेसिडेंट की तरह भाई राहुल गांधी काम कर रहे हैं और राहुल गांधी भाई दो चार ऐसे चमचे हैं, उन चमचों ने राहुल गांधी को घेर रखा है जिसमें सुरजेवाला सबसे आगे है, शमशेर सिंह सुरजेवाला भाई सबसे आगे है और इस वजह से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। क्योंकि कुछ चमचे, कुछ चापलूस, कुछ दरबारी, कुछ मालिशिये, कुछ पालिशिये और ऐसे लोगों ने भाई राहुल गांधी को घेर रखा है और राहुल गांधी अब वरिष्ठ नेताओं की कोई बात मान नहीं रहे। उनके जो पीए, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके मानसीय पालिशिये और चमचे और उनके जो गुलाम है राहुल गांधी के, वो जो फैसला करते हैं, वो जो आदेश देते हैं, राहुल गांधी उसी आदेश को मान करके कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का मजाकिया अंदाज, कभी वो भाई मशीन में आलू डाल के उससे सोना बाहर निकालने लगते हैं और भाई जो राजस्थान में योजना बनी थी उस योजना को उन्होंने कुंभकर्ण योजना कहा, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं था कि भाई ये योजना क्या है, लेकिन बोल दिया उन्होंने जो भी है। इस तरह से वो मनोरंजन में कोई कमी नहीं छोड़ते और अब तक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2013 से लेकर के और 2022 आज की तारीख तक 39 विधानसभा चुनाव हार चुकी है बहुत बुरी तरह और 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी है बहुत बुरी तरह। आप जानते हैं दोस्तों कि अगर राहुल गांधी जी का यही हाल रहा और उन्होंने अपने चापलूसों से, अपने चमचों से और अपने मानसी पॉलिसियों से अगर उन्होंने छुटकारा नहीं पाया तो एक दिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसी तरह में कांग्रेस जोड़ो यात्रा उन्हें करनी पड़ जाएगी, नहीं तो कांग्रेस में ऐसी भगदड़ मची हुई है। आप हेमंत विश्व शर्मा ले ले भाई, हेमंत विश्व शर्मा जो इस समय आसाम के चीफ मिनिस्टर है, आप आरपीएन सिंह ले लें, आप ज्योतिराज सिंधिया ले लें, आप भाई क्या ले लें वो जो मंत्री हमारे, और आप ले लें हरियाणा में जो बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई, आप कितने ही नेता ले लें, बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ छोड़ करके जा चुके हैं और अभी और जाने वाले हैं। बस इसमें फिर क्या बचेगा, गांधी परिवार बचेगा, बाडरा बचेगा और भाई दो चार के चमचे और चापलूस और मालिशी पालिशी बचेंगे और बाकी सब कांग्रेस छोड़ के चले जाने हैं। और 2024 के लोकसभा चुनावों में और आने वाले, चाहे वो हिमाचल के चुनाव हो, गुजरात के चुनाव हो, अगली साल छत्तीसगढ़ के चुनाव और राजस्थान के चुनाव और मध्य प्रदेश के चुनाव हो, कांग्रेस को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए भाई राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को मिलकर के कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस भारत छोड़ो यात्रा में परिवर्तित होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।